पार्टी मैं निवेदन करूंगा कांग्रेस भारतवादी से वो हमारे मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव ब्राह्मण समाज की धरोहर हम सबके अगुआ आप अपना अस्तित्व देकर उनको एक टुकमा भी दे रहे हैं आप बाबू आप अनुरोध नहीं बताए इसके साथ आप अनुरोध भी देने चुका करेंगे अरे यार कार्यकर्ता पार्टी जान हो इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा अध्यक्ष त्रिवेदी जी से जो हमारे युवा नेता है छात्र संघ के वो अमित सिंह चिन्ह दे के हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करेंगे राकेश मिश्रा जी माननीय श्री रतन गौतम जी पूरे मत्सी प्रत्याशी और प्रधान बाबा बाबा साहब के मूर्ति देंगे चेतन गौतम जी दिखाए आपको दिखाए मामी माती त्रिवेदी जी का स्वागत करते हुए स्वागत के बाद नारा लगाइए उपस्थित
मैं अनुरोध करूंगा मंच के पानी और बैठे हुए हमारे पूरे बंधुओं से कि वो कृपया सुख में अपना स्वास्थ्य की बातों में सुधार करें। बाहर पहुंचाने में कामयाब न हो जाए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय बैठे हुए हैं,
मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे सबसे आप लोगों का जवाब सबसे जवाब चाहिए। हमारे पुरोहित बंद बैठे हैं, क्या सन 2017 से लेकर के 2021 के बीच में ब्रह्म समाज का अपमान हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर ब्रह्म समाज का अपमान हुआ है तो क्या हम सब लोग बदला लेने के लिए तैयार हैं? तैयार है। क्या पूर्वज मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्य अतिथि महोदय को यह जानकारी दे दूं कि मुख्य अतिथि महोदय जो अश्वमेघ आपने लेकर के उठाया है, लेकर के चलाया है, वो पूर्वज की धरती पर आंधी का रूप ले चुका है, धरती कोई ताकत को रोक नहीं पा रही है। क्या मैं आपको आश्वासन दे दूं? बोलिए, आश्वासन दे दूं? आवाज नहीं आ रही, आश्वासन दे दूं? तो मैंने दोनों हाथ खा करके बोलिए, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की याद करिए। वह युग भगवान परशुराम जी ने क्यों अवतार लिया था और भगवान परशुराम ने 17 बार क्यों विनाश किया था? ऐसा ही वातावरण रहा होगा। हम लोग किसी को सताते नहीं है, हम लोगों को किसी पर अत्याचार नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लोगों पर कोई अत्याचार करता है तो हम शांति से बैठते भी नहीं है। यह संदेश भारतीय जनता पार्टी को चला गया। मैं आपके बीच में मुख्य अतिथि महोदय जी के बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता हूँ, आप लोग काफी देर से यहाँ पर है, लेकिन सुन करके जाइएगा, बुन करके जाइएगा, लेकर के जाइएगा और जौनपुर के माध्यम से पूरे पूर्वांचल संदेश देने का काम करिएगा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी साफ है उत्तर प्रदेश में, उसका कोई नामो निशान नहीं बचल नाम नहीं बदल। मैं बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सांसद राज्यसभा माननीय श्री सतीश मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दे और संकल्प दिला करके हम लोगों को विश्वास दिला दे कि हम लोग अपने इस महायुद्ध में निश्चित रूप से कामयाब होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सतीश मिश्रा जी। बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, माननीय विजय प्रताप जी मुख्य सेक्टर इंचार्ज वाराणसी मिर्जापुर मंडल, श्री सुबोध पांडे जी पूर्व, सुभाष पांडे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री नकुल दुबे जी पूर्व कैबिनेट मंत्री, श्री दिनेश टंडन जी चेयरमैन नगर पालिका परिषद जौनपुर, श्री राम शिरोमणि शुक्ल पूर्व विधायक प्रतापगढ़, श्री अरुण द्विवेदी जी, श्री महंत डॉक्टर अवधेश चंद्र भारद्वाज जी, श्री अरुण पाठक जी, श्री डॉक्टर राजेश पांडे जी, प्रदीप पांडे जी, राकेश मिश्र जी, सत्यकाम दुबे जी, अमरजीत गौतम जी मुख्य सेक्टर इंचार्ज वाराणसी मंडल, श्री रामचंद्र गौतम राजकुमार भाटी जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, श्री नरेंद्र त्रिपाठी और मुन्ना त्रिपाठी, श्री योगेश यज्ञेश चतुर्वेदी जी, श्री रमेश शुक्ला जी, डॉक्टर सिद्धार्थ जी तथा यहाँ पर आए हुए सभी जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं और हम लोगों के उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए हैं और काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग इसके पहले पूर्व में बाराबंकी में अपनी 29वीं सभा 28वीं सभा करके आ रहे हैं और ये इस प्रदेश की 29वीं सभा होगी जो 23 तारीख से 23 जुलाई से हम लोगों ने शुरू की थी और 23 जुलाई से शुरू करके आज कल जब हम वाराणसी जाएंगे तो वो 30वीं सभा हम लोगों की होगी वाराणसी में। भाइयों और मीडिया के बंधुओं, आप पूरे प्रदेश में आज आप देख रहे हैं कि कौन सा माहौल चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था चल रही है और खास तौर से ये बौद्धिक जो हम लोगों को एक गोष्ठी करनी पड़ी पूरे उत्तर प्रदेश में, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि इस समाज को, जो समाज जिसकी जिम्मेदारी होती है सब समाज को सही दिशा और रास्ता दिखाने की,
उसको भी तो ये मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जानकारी सबको है लेकिन लोग उसको अपने अपने तक सीमित रखे हुए हैं, उसको आगे बढ़ाने का काम नहीं कर रहे हैं और कुछ डरे से सहमे से भी बैठे हुए हैं कि ऐसा ना हो कि हम अगर ज्यादा ऊपर हो जाएंगे तो हमारे ऊपर कुछ ये जिस तरह से प्रहार पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है और खास तौर से दलित समाज और ब्राह्मण समाज के ऊपर चल रहा है तो ये हमारे अपने ऊपर भी ना हो जाए। ये आपको सोचने की जरूरत है कि क्या आप एक तरफ हम कहते हैं भगवान श्री परशुराम जी के वंशज हैं भी, भगवान श्री परशुराम जी के वंशज होने के बाद अगर ब्राह्मण समाज ये कहता है कि हम डरे हुए घबराए हुए हम इनकी धमकियों में दब गए हैं तो फिर हमको भगवान श्री परशुराम जी के अनुयायी नहीं होना चाहिए, फिर तो हमें किसी और के शरणागत हो जाना चाहिए। लेकिन अगर हम भगवान श्री परशुराम के अनुयायी हैं और उनके हम वंशज हैं तो फिर हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और उसको निभाने के लिए हमको निर्भीक और निडर बनना पड़ेगा। जो ये माहौल उत्तर प्रदेश में बना रखा गया है, जो माहौल हम लोगों ने ऐसा नहीं कि पहली बार देखा है, हम लोगों ने इससे भी इसी तरह का माहौल 2003 और 2007 में भी देखा था, 2012 और 2017 में भी देखा था जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। याद करिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह के अत्याचार चल रहे थे और किस तरह के चोर लूटने का काम, बलात्कार, हर तरफ फिरौती, गुंडागर्दी पूरे प्रदेश में फैली हुई थी और हर तरफ तराई तराई मच रही थी। 2003 और 2007 के बीच में भी ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर बहुत जुल्म ज्यादतियां हो रही थी। यहां तक कि कन्नौज में जो हमारे साथी था नीरज मिश्रा, आज भी उसका याद आती है उसकी किस तरह से उसका सर काटा गया था, सर कटवा करके और लखनऊ में दर्शन करने के लिए मनाया गया था। ये मैगजीनों में और अखबारों में सब इसमें उसकी फोटोएं छपी थी और सिर्फ ये कि समाजवादी पार्टी के लोग नाराज हो गए, मुखिया लोग नाराज हो गए और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे सामने उसने आवाज उठाने की काम की। ये वो मंजर था जब उत्तर प्रदेश में हर जगह इसी तरह का माहौल बना हुआ था। लेकिन वो सरकार बनवाई किसने, वो सरकार को बनवाने का काम किसी और ने नहीं किया था, भारतीय जनता पार्टी ने किया था, कांग्रेस के समर्थन से किया था। सभी को याद है कि उनके पास हमारे पार्टी के जो एमएलए थे उनको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य उस समय जो अध्यक्ष थे उनका इस्तेमाल करते हुए और उनको एक जो सरकार बनाने में सक्षम नहीं थी समाजवादी पार्टी उसकी सरकार बनवा दी थी भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए जो दोनों की सोच है वो बहुत मिलती जुलती है, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये जो काम वो करते रहे वही काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। याद करिए 2003 और 2007 के बीच में, 2002 को याद करिए जब ब्राह्मण समाज जो था वो बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया था, धीरे धीरे 5 से 6 लोग से विधानसभा में ब्राह्मण समाज के लोग रह गए थे। और ऐसे में जब हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने जब हमने महाधिवक्ता के पद से इस्तीफा दिया और उनके साथ में जब खड़े हुए, जब उनके ऊपर इन लोगों ने कोशिश की भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने, उनके ऊपर एक दो नहीं उनके परिवार और उनको मिला करके 110 मुकदमे इन्होंने उनके ऊपर दाखिल करने की कोशिश की थी, चलाने किया था सीबीआई और ये वो सब कुछ किया था और फर्जी मुकदमों में फंसाने की कोशिश की थी। तब हमने अपने पद से इस्तीफा दे करके और हम उनके साथ में खड़े हुए थे और हमने भी उस समय कहा था कि ये लोग बहुत कोशिश कर ले, जितनी कोशिश करनी जितनी ताकत लगा ले, यहां से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक कोशिश कर ले, लेकिन छोटे काल में ये आपको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी देखते हैं, हमने भी वकालत 45 वर्षों से ऐसे खास चीज करके नहीं किए कि आपको ये मैसेज फंसा दें और आप लोगों के आशीर्वाद से, प्रभु के आशीर्वाद से एक भी मुकदमे में उनको कहीं से भी ये लोग घेर नहीं पाए और हर मुकदमे में शुरू से लेके निचली अदालत से लेके और सर्वोच्च न्यायालय तक उनको पूरी क्लीन चिट मिलने का काम हुआ। लेकिन
उस समय बहन मानी जी ने जब हमको राज्यसभा भेजा, तो राज्यसभा में जब भेजा तो मुझे लगा कि राज्यसभा में मैं क्या करूंगा। हम तो वकालत के पेशे से जुड़े हुए, पूरा परिवार पूरा खानदान वकालत में ही हमेशा से शुरू से रहा। आप सभी जानते हैं हमारे पिताजी भी वकील थे, बाद में जज हुए, चीफ जस्टिस हुए, गवर्नर हुए, लेकिन वकालत से ही शुरू किया। हमारे सीनियर भी जो थे, हमारे चचा वो भी हाईकोर्ट जज हुए, हमारे सगे बड़े भाई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, तो हम लोग वकालत हम भी चेयरमैन बात काउंसिल थे। लेकिन जब वो राजनीति में हमको ले आई और उन्होंने राज्यसभा में भेजने का काम किया, तो हमें भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा कि आखिर हम यहाँ पर किस लिए आए। हम अगर यहाँ पर आकर के अपने समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। माननीय श्री काशीराम जी की बात याद आई, जो वो कहते थे कि अगर राजनीति में कोई आता है तो सर्वप्रथम पहले अपने समाज के बारे में सोचना चाहिए। अगर अपने समाज के बारे में नहीं सोच पाता है तो सर्व समाज के बारे में तो कभी नहीं सोच पाएगा। जब हम समाज के बारे में सोचना शुरू किया तो देखा कि वर्ण और समाज तो उत्तर प्रदेश में बिल्कुल शून्य पर पहुंच गया। तब हमने बहन मायावती जी से इजाजत मांगी, हमने उनसे कहा कि हम समाज के बीच में जाना चाहते हैं, उनसे कुछ वार्ता करना चाहते हैं, उनको कुछ उनसे उनको बताना चाहते हैं, उनसे सुनना भी चाहते हैं कि आखिर ये स्थिति क्यों हो गई उनकी। उन्होंने कहा कि हम आपको पूरी खुली छूट देते हैं, आप जाइए। हमने पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में हम गए, आपके जिले में भी आए। श्री सुभाष पांडे जी ने यहाँ पर कार्यक्रम कराया था, उस समय हम लोग इस जिले में भी आए थे और ब्राह्मण समाज का सम्मेलन किया था। उस समय ब्राह्मण समाज के बीच में हम लोग ने कुछ बातें कही थी, जो बातें बहुत सी बातें कही थी वो मैं नहीं दोहराऊंगा, दो तीन बातें जरूर कहूंगा। हमने क्योंकि वो आज भी लागू होती है, दोबारा से लागू हो रही है हमारे ऊपर। हमने ब्राह्मण समाज के लोगों से कहा कि आपको अपनी ताकत पहचाननी पड़ेगी, आप पहले अपने आप को पहचानिए, आप खुद जिम्मेदार हैं आज इस स्थिति पर आने के लिए। और वो क्यों? क्योंकि आप लोग इकट्ठा नहीं है, आप एक साथ नहीं है, आप एकजुट नहीं है, आप लोग आपस में ही बंटवारा बनाए रहते हैं। और अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो आप सोचिए आपकी कितनी बड़ी शक्ति हो जाएगी। इसीलिए पहले इकट्ठा होइए, पहले तो आपस का बंटवारा खत्म करके, ये नहीं कि हम सरजू पारी हैं, ब्राह्मण हैं, हम सनाम ब्राह्मण हैं, हम 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, हम राय हैं या त्यागी हैं, ये छोड़ करके अपने आप को ब्राह्मण के नाम से जानना शुरू करिए और वही कहना शुरू करिए। जिस दिन आप ये कहने लगेंगे उस दिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप 1-2% नहीं उत्तर प्रदेश में, आप 16% हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 13 है, वैसे 16% है। 16% 25 करोड़ में अगर आप गिनती लगाइए तो 3 करोड़ के ऊपर ब्राह्मण समाज के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं और फिर भी उनकी ऐसी हालत क्यों है? वो इसीलिए, लेकिन ब्राह्मण समाज ने हमारी बात मानी, इकट्ठा हुए, एक साथ हुए, एकजुट हुए और एकत्रित होकर के फिर हमने जो बड़ी सभा की थी लखनऊ में, डॉक्टर अम्बेडकर मैदान में मंच पर बैठे बहुत से लोग हैं, रामचरण शुक्ला जी भी हैं, बहुत से लोग नकुल दुबे जी भी हैं, सुभाष पांडे जी भी हैं, अन्य लोग भी हैं जो उस समय भी वहां पर मौजूद थे। और उसमें 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण लोग इकट्ठा हुए थे। 9 जून 2005 को जब 48 डिग्री टेम्परेचर था, आज आपने जिस तरह से शंखनाद करके और हमारा हौसला बढ़ाया है, उस दिन 11,000 ब्राह्मण समाज के लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था लोगों के अतिथि के रूप में। और उन्होंने जिस तरह से आपने आज गणेश जी की प्रतिमाएं हमको दी, हमने भी उनको गणेश जी की प्रतिमा दी थी ब्राह्मण समाज की तरफ से। वो प्रतिमा लेकर के मंच पर गई थी, माइक पर सीधे चली गई थी और माइक पर जाकर के उन्होंने पहले शब्द बोले थे वो यही कहा था, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ये कहकर के अपनी बात सुनी थी। और उसके बाद ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने अपना बरसों बरस पुराना नारा, जिसकी जितनी संख्या वाली उतनी उसकी हिस्सेदारी, उस नारे को उन्होंने बदल दिया और नया नारा दिया। उन्होंने कहा जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उन्होंने उसी के हिसाब से जहां 40 लोगों को इसके पहले ब्राह्मण समाज के लोगों को चुनाव के मैदान में उतारा था, उन्होंने उसको बढ़ा करके 85 लोगों को मैदान में उतारने का काम किया।
और जब ये 85 लोग चुनाव के मैदान में गए तो एक बात मैंने उनसे फिर कही थी, हमने कहा था कि ये अकेले आप 16% हो गए, आप लोग सोच रहे हैं इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, अब तो हम सारी सीटें जीत लेंगे, अब तो हम पूरा उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। तब क्या ऐसा नहीं, आप इकट्ठा हो भी जाए तब भी एक भी सीट नहीं जीत सकते, क्योंकि 16% से कोई सीट नहीं जीती जा सकती। सीट जीतने के लिए आपको 30% से 32% से ऊपर चाहिए होगा। और इसीलिए हमने कहा कि आप भाईचारा बनाइए, और भाईचारा किसके साथ बनाइए, आप भाईचारा बनाइए दलित समाज के भाई बहनों के साथ में। जब आप उनके साथ भाईचारा बनाते हैं तो पहले तो आप अपना जो कर्तव्य है कि हमको सब समाज को इकट्ठा करना है, एक साथ लेना है, एकजुट करके और सही रास्ता दिखाना है, उसको आप पूरा करेंगे। और दूसरा ये होगा कि आप 16 से बढ़ करके और सीधे 40 की गिनती पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनके साथ तो और भी समाज के लोग पहले से जुड़े हुए हैं, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो और चाहे अति पिछड़ा समाज हो, पिछड़ा समाज हो, वो उनके साथ पहले से ही जुड़ा हुआ है। और आप हर सीट पे भारी पड़ने का काम करेंगे। और उसके बाद जो आपने भाईचारा बनाया पूरे प्रदेश में भाईचारा बना, एक मिसाल बन गई कि किस तरह से ब्राह्मण समाज के लोगों ने और दलित समाज के साथ में एक सच्चा दिल से भाईचारा बनाया। और इसकी मिसाल पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में दी गई, और नया नाम दे दिया गया इसको, सोशल इंजीनियरिंग के नाम से इसको कहा गया, इसके ऊपर पढ़ाई लिखाई होने लगी, PhD की डिग्री दी जा रही है इस पे कि कैसे उत्तर प्रदेश में 2005 और 2007 के बीच में ये भाईचारा बना करके कार्यक्रम हुआ था, इसपे शोध हो रहा है, PhD डिग्री दी जा रही है। लेकिन ये करने का काम ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। आप लोग 85 लोगों सीटों पे लड़े थे, लेकिन 85 जहां 3 लोग थे बहुजन समाज पार्टी के, उसके पहले ब्राह्मण समाज के हमारे मेरे बढ़ करके 45 पे पहुंचने का काम किया था। और 45 पे जब पहुंच गए थे और तो खाली इतना नहीं है कि एक तरफा हुआ था, ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी चूंकि सही मायने में सच्चे दिल से तन मन धन से उन्होंने भाईचारा बनाते हुए जो रिजर्व सीटें थी जहां अपर कास्ट समाज से कोई नहीं होता है, उन्होंने वहां अपनी पूरी ताकत छोड़ दी थी। और उसी का नतीजा हुआ कि जहां 16 सीट हम जीते थे पहले रिजर्व सीटों में, वो बढ़ करके 62 सीटों पर जीतने का काम हुआ था। हमारे दलित भाई बहन 62 सीटों में जीते थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। लेकिन बहन मायावती जी ने उस दिन कहा था कि ब्राह्मण समाज हमारा साथ दे रहा है और आज तैयारी के साथ हमारे साथ इकट्ठा हो गया है, तो हम भी वादा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इनका मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करेंगे। और वो जो कहती है फिर वो करके दिखाती है, और इसीलिए जब कहती है तो सोच समझ के जो बात कहती है करती है, क्योंकि जो कह देंगी फिर वो होना भी जरूरी है। उन्होंने उसके बाद देखा आपने, जब सरकार बन गई तो बहन मायावती जी ने जितनी हमें उम्मीद खुद नहीं की उससे बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके ब्राह्मण समाज को देने का काम किया। जहां उन्होंने सर्व समाज के लोगों को मंत्रालय दिए, पोस्टें दी और चीजें दी, उन्होंने ब्राह्मण समाज के भी 15-15 लोगों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देते हुए, छोटे मोटे मंत्रालय नहीं बड़े बड़े मंत्रालय दे करके कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया। दो लोगों को आपके सामने ही बैठे हैं, सुभाष पांडे जी और नकुल दुबे जी, उनको भी उन्होंने कैबिनेट मंत्री बनाने का काम किया था। MLA जो बन करके आए थे उसमें ही राम शिरोमणि शुक्ला जी भी हमारे बीच में हैं यहाँ पर, उन्होंने उसके बाद इतना ही नहीं किया, उन्होंने 35 से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के उन्होंने कैबिनेट का दर्जा देते हुए और उनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाया। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा लोगों को ब्राह्मण समाज के MLC बनाने का काम किया। विधान परिषद के अध्यक्ष को ब्राह्मण समाज के बनाया उन्होंने। पहला महाधिवक्ता जो कि 5 साल तक रहे उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण समाज का अतिरिक्त महाधिवक्ता, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल, 5,000 सरकारी वकील ब्राह्मण समाज के उच्च न्यायालय से लेकर के और नीचे वाली अदालत तक उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को बनाने का काम किया और उनका 10-10 गुना मेहनताना भी बढ़ाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन लोकसभा में ब्राह्मण समाज के लोगों को भेजने का काम किया। राज्यसभा में उन्होंने हमको नेता बनाने का काम किया ब्राह्मण समाज के व्यक्ति होते हुए, और उन्होंने लोकसभा में भी उस समय उपनेता बनाने का काम किया। आज के दोस्तों इस समय उन्होंने ब्राह्मण समाज के ही व्यक्ति को रितेश पांडे को लोकसभा में भी नेता बनाने का काम किया है समाज का मान सम्मान रखने के लिए।
बहन मार की चीज है, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे नीचे का काम हो, हर जगह उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को, चाहे बंगाली लोग हो, उन्होंने ऐसी अच्छी अच्छी जगहों पर भेजने का काम किया, सब समाज का किया, लेकिन ब्राह्मण समाज को उन्होंने पीछे नहीं रहने दिया और पूरा उनका खोया हुआ मान सम्मान स्वाभिमान उन्होंने लौटाने का काम किया। लेकिन आज क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोग समाजवादी पार्टी में चले, समाजवादी पार्टी ने अपना फिर वही चेहरा दिखा दिया, फिर वही लूटमार, फिर वही डकैती, गुंडागर्दी, फिरौती, लोगों के साथ में बलात्कार, पूरे प्रदेश में दंगे फसाद हर चीज शुरू हो गई। बहन मायावती जी की सरकार थी तो क्यों नहीं कोई दंगा हुआ, क्यों नहीं कोई फसाद हुआ? इसलिए क्योंकि दंगे होते नहीं है, दंगे कराए जाते हैं। कोई भी विकास का कार्य न समाजवादी पार्टी और न भारतीय जनता पार्टी, समाज इनको विकास से कोई लेना देना नहीं, बहन मायावती जी की तरह नहीं, जहां उन्होंने सरकार बनते ही विकास की छड़ी लगा दी, उन्होंने एक नहीं दो नहीं, उन्होंने 29,000 डॉक्टर अम्बेडकर ग्राम जो विलेज थे उनको उन्होंने सब समग्र विकास करके और उनको उन्होंने डेवलप करने का काम किया। उन्होंने एक दो नहीं 28,000 प्राइमरी स्कूल खोले, उन्होंने जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल 5,000 नए खोले, उन्होंने साथ यूनिवर्सिटी अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी खोली, उसमें से डॉक्टर शमता मिश्रा यूनिवर्सिटी इन्होंने जो विकलांगों के लिए बनाई वो लखनऊ में, वो पूरे विश्व में मिसाल हो गई, क्योंकि एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में नहीं है जो कि खाली विकलांगों के लिए बनवाई गई हो, उनके बहन मायावती जी ने बनवाने का काम किया। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज बनाए, 23 नए जिले बना दिए, 23 नए जिले का मतलब होता है उस जिले का पूरा समग्र विकास। जब जिला बनता है तो उसमें हर चीज बनती है, चाहे अस्पताल हो, चाहे अदालतें हो, चाहे कचहरी हो, सब चीज बनती है, तो उसमें कलेक्ट्रेट हो, सभी चीजों का उन्होंने संपूर्ण विकास करने का काम किया। उन्होंने इन लोगों की तरह नहीं कि खाली धर्म के नाम पे वोट लो, जो भारतीय जनता पार्टी आई उसके आने का तरीका आपने देखा, ऐसा तरीका लिया उसने जिसने कि सबको जाल में अपने फंसा लिया। उन्होंने नौजवानों से कहा, क्योंकि झूठ बोलने में और झूठ बोल करके प्रलोभन देने में पूरे विश्व में कोई महारत नहीं रख सकता जो भारतीय जनता पार्टी रखती है, उनके नेता लोग रखते हैं। उन्होंने कहा 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, क्या 15 लाख रुपए किसी के खाते में आए? नहीं आए। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां नौजवानों को देंगे, नौजवान वो नौजवान जो कि पढ़ लिख करके जिनके माता पिता ने अपनी सारी पूंजी लगा दी कि इसको पढ़ाए लिखाए, ये बड़ा अधिकारी बनेगा, अफसर बनेगा, नौकरी करेगा, इंजीनियर बनेगा और इस अच्छा एक घर में अपना होदा बनाएगा, समाज में होदा बनाएगा। उससे कहा कि उस जब कहा कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे सालाना, पूरा नौजवान उनके पीछे लग गया कि अरे इससे अच्छा क्या हो सकता है, ऐसी सरकार बनने जा रही है जो हमको 2 करोड़ नौकरी देगी, 5 साल में तो 10 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, हिसाब लगाने लगे लोग वोट डाल रहे जाके। उसके बाद क्या हुआ, नौजवानों ने जब देखा कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, नौकरी तो नहीं मिल रही है, 1.5 करोड़ नौकरी जो सब आंकड़े अखबारों में छप चुके हैं हर साल कम होती गई, पिछले साल 1.5 करोड़ नौकरियां खत्म कर दी उन्होंने, तो ये नौकरियां खत्म होने का काम हुआ, मिलने का नहीं हुआ। जब नौजवानों ने शोर मचाया और हम लोगों ने भी पार्लियामेंट के अंदर शोर मचाया, हमने कहा कि आप झूठा वादा क्यों आपने किया, तो कहते हैं कि हम नौकरी तो नहीं दे सकते, उनसे कहिए कि पकौड़े बेचे जाके, पकौड़ा बेच करके अपनी जीविका चलाएं, पकौड़ा बेचने की, पकौड़ा बेचना कोई हम लोग बुरा नहीं मानते, पकौड़े बेचना और जो खुमचा ठेला लगाते हैं, हमारी तो पार्टी ही गरीबों के लिए है और गरीबों से ही चल रही है और उनके लिए लड़ाई लड़ते हैं हम, तो उनके सम्मान के लिए लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन ये ठगने वाली बात करना, नौजवानों से ये कहना, पढ़े लिखे नौजवानों से कहना कि तुम डिग्री ले लो और उसके बाद तुम्हें नौकरी देंगे और फिर उनसे कहो कि नौकरी नहीं देंगे, तुम पकौड़े बेचो, पकौड़े भी तो नहीं बेच सकते आज के रोज, क्योंकि जो तेल 100 रुपए के लीटर था तो 300 के ऊपर पार हो रहा है, पकौड़े के लिए तेल कहाँ से लाएंगे, सब्जी कहाँ से लाएंगे, हर चीज को तो 4 गुना महंगा कर दिया, पेट्रोल को 60 रुपए से 110 रुपए पहुंचा दिया, गैस सिलेंडर को 200 रुपए से 1300 पहुंचाने का काम कर दिया। ये वो सरकार है जिसने कहा कि हम महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की देखभाल करेंगे, किस तरह की देखभाल करेंगे,
कहा कि हम समाजवादी पार्टी में जिस तरह से महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा था, बलात्कार हो रहे थे, दिन दहाड़े उनकी इज्जत लूटी आ रही थी, हम वो सब रोकने का काम करेंगे, महिलाएं हमको वोट देने का काम करें। महिलाओं ने भी वोट दे दिया और आज क्या हो रहा है, आज पूरे विश्व में हम लोग बलिदान हो गए। जो इनके खुद की रिपोर्ट है सरकारी, उसके हिसाब से हर दो घंटे में एक महिला का रेप हो रहा है उत्तर प्रदेश में। क्या यही सुरक्षा देने की बात कही थी इन्होंने? क्या यही सुरक्षा दी थी जैसे हमारी एक दलित की बेटी हाथरस में उसके साथ में रेप होता है, उसका बलात्कार होता है और उसके बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है? ऐसा दर्दनाक मंजर दिखाने का काम किया इन्होंने। कहा कि लखनऊ में बैठ करके कि उसका शरीर मर गई है, उसका शरीर जो है उनके घर वालों को नहीं मिलना चाहिए। मीडिया के लोग आ गए तो मीडिया के लोगों को 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया, जिला मजिस्ट्रेट को एक कांस्टेबल की तरह वहां खड़ा कर दिया गया और कहा गया कि खड़े रहोगे जब तक इस बेटी की जो है इस लड़की की जलाने का काम नहीं हो जाता। घर वालों को मत देना, मां रोती रही, भिलकती रही, परिवार वाले रोते रहे, भिलकते रहे, लेकिन उसका शरीर देखने को भी नहीं दिया। अंतिम संस्कार की तो बात छोड़िए, और 2:30 बजे रात में ले जा करके और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जलाने का काम किया। हम लोगों को तो शर्मसार किया ही, पूरे प्रदेश को किया, पूरे देश को इन्होंने विश्व के सामने सर झुकाने पर मजबूर किया कि ये ऐसा देश है जहां इस तरह का व्यवहार बेटियों के साथ हो रहा है। क्योंकि जो दबंग थे, जो इनके चहेते थे, उनको बचाना था, जो उसमें लगे जैसे कि उन्नाव में आपने देखा किस तरह से दबंगी के साथ में एक महिला के साथ रेप होता है, लेकिन उस एमएलए को बचाने के लिए पूरा शासन प्रशासन लग जाता है क्योंकि उनके वो चहेते थे। ऐसी सरकार जो बनी है वो कैसे बनी है? किसानों से वोट लिया, तुम्हारी आमदनी 2 गुना कर देंगे। क्या 2 गुना करती है आमदनी को और नीचे 0 कर दी। 2 गुना तो छोड़िए, अब तो उनकी जमीन भी छीनने का काम कर रहे हैं और जमीन तो छीन रहे हैं क्योंकि जिन चुनिंदा जिनसे पैसा लेते हैं 1,000 करोड़ रुपया, बड़े बड़े उद्योगपति अपने चुनाव के लिए अपनी पार्टी के लिए, उनको इन्होंने पूरा देश बेचने का काम कर दिया। इन्होंने कोई चीज छोड़ी ही नहीं, चाहे तेल हो, चाहे रेल हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे जितनी कॉर्पोरेशन की कंपनी हो, चाहे हवाई जहाज बनाने वाली हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे बैंक हो, उन्होंने एक एक करके सब उनके हाथों में बेचने का काम कर दिया और उनके बिजली घर भी बेच दिए। कहा कि बिजली भी तुम ही दोगे, पानी भी तुम ही दोगे, जब चाहोगे दोगे, जब चाहोगे रोक दोगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी में पहले आके कब्जा किया था और हर चीज अपने हाथों में ली थी, इसी तरह से इन्होंने इन चुनिंदा जो इनके उद्योगपति हैं उनको ये देने का काम कर दिया। क्या बचा? उद्योगपतियों ने कहा सब मिल गया, अब हर चीज मिल गई, एक चीज नहीं मिली और वो है जमीन। किसानों की जमीन हमको नहीं मिल पाई, वो भी हमें चाहिए। तब इन्होंने ये 3 कानून बनाए, ये 3 कानून किसानों के जो विरुद्ध बनाए। किसान ऐसे ही नहीं, ठंड में भी गर्मी में भी वहां पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, 500 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने कानून पढ़ा है। उस कानून में लिखा हुआ है, ऐसा कानून बनाया है, काला कानून कि कहते हैं कि किसान के हित में है और उसमें ऐसा कानून है कि किसान की जमीन को किसान को मजबूरन ठेके में देना पड़ेगा इन बड़े बड़े उद्योगपतियों को। और जब उनको ठेके में आप देंगे, 1 साल आपको पैसा मिलेगा, 2 साल मिलेगा, 3rd साल से कह देंगे फसल खराब हो गई, 4th साल कह देंगे बाढ़ आ गई, 5वें साल कह देंगे अनाज ठीक नहीं था, आपने ठीक से बुराई नहीं करी और पैसा बंद। जब पैसा बंद तो आमदनी तो बंद हो ही गई, जमीन आप वापस नहीं ले सकते क्योंकि वो तो ठेके में कई कई वर्षों के लिए मजबूरन आपको देनी पड़ रही है, तो उनकी जमीन दी गई। इस नियत से किसानों के ऊपर इन्होंने ये कानून लादने का काम किया। हमारी पार्टी और हम लोग रोजाना पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, हम लोग किसानों के लिए उनके साथ में खड़े रहे, होते रहे, लेकिन इनके ऊपर असर नहीं होता। ये कहते हैं कि तो इनके हक में कानून है। हमने पूछा अगर इनके हक में है तो जिसके हक में है वो कहता है हमारे हक में नहीं है, तो क्यों इनके ऊपर थोप रहे हो? कहते नहीं, हमें तो इनके ऊपर थोपना ही थोपना है क्योंकि उनकी मजबूरी तो वो उद्योगपति है, वो उसमें क्या करें। ब्राह्मण समाज के लोगों से धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, ब्राह्मण समाज इनके साथ 2017 में किस नाम से चला गया, कैसे वोट दे दिया,
ये भी तो सोचना चाहिए आपको। बहुजन समाज पार्टी ने तो आपको सब कुछ दे दिया था, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपसे सिर्फ झूठा है, आपको प्रलोभन दिया कि हम तो धर्म के ठेकेदार हैं, हम भगवान श्री राम के ठेकेदार हैं, हमको तो आप अगर वोट दोगे तो हम राम लला का मंदिर बना देंगे। हम तो अयोध्या गए थे 23 तारीख को, अयोध्या गए थे और खुद स्वयं वहां पूरा घूम करके हमने देखा अयोध्या का जो हाल है वो इतना बुरा है जितना कोई भी आप जानते हो शहर जो सबसे बुरा आपको लगता हो, जहाँ की वहां की सड़कें और चीजें खराब हो, देख रेख खराब हो, उससे ज्यादा बुरा हाल अयोध्या नगरी का है। हम तो सोचते थे सोने की नगरी बन गई होगी, क्योंकि 20,000 करोड़ रुपया तो इन्होंने सरकारी धन कहते हमने लगा दिया वहां पर, और 1997 से लेकर के आज तक रुपया मंदिर के नाम पे इकट्ठा कर रहे हैं, लाखों करोड़ रुपया इनके पास, यहाँ उत्तर प्रदेश ही नहीं देश ही नहीं विदेश से भी आया है, डॉलरों में भी आया है, वो रुपया कहाँ गया? क्या जरूरत पड़ गई आपको कि जब निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया, इन्होंने तो कोई निर्णय नहीं लिया, इन्होंने तो किसानों की तरह कानून नहीं पारित किया, जहाँ पारित करना होता है वो दंगे की चोट में जोर जबरदस्ती करके कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पे कोई कानून नहीं बनवाया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तब ये जमीन वापस मिली है और इसमें इनका कोई भी योगदान नहीं है। जब ये देखा इन्होंने कि अब ये जो जमीन सर्वोच्च न्यायालय से मिल गई है अब तो मजबूरी हो जाएगी, हमको मंदिर बनाना पड़ेगा, तो आपने भी देखा इन्होंने क्या किया, 1.5 साल हो गया, 1.5 साल में फिर से झोला लेके निकल पड़े और अपने सारे लोगों को फेंक दिया, जाओ घर घर में और कहो कि हमें राम का मंदिर बनाना है, इस झोली में रुपया डाल दो, हमें रुपया चाहिए। 10,000 करोड़ रुपया कमा लिया, फिर से कमा लिया, इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कहां गया, अपने लिए कमाया इन्होंने, मंदिर के लिए नहीं कमाया। अगर मंदिर के लिए कमाया होता तो लाखों करोड़ रुपया लिया था और इसको लिया तो मंदिर तो बनवाते। आज हम वहां जब गए तो हमने देखा कि वहां पर मंदिर के नाम पे तो छोड़ भूल जाइए, वहां तो अभी जमीन में भी काम शुरू नहीं हुआ, अभी तो न्यू खोदने का भी काम शुरू नहीं हुआ, न्यू बनने की बात तो बहुत बात की बात है, अभी तो सिर्फ वही जो आप लोगों ने मंजर देखा था जिसमें 2,500 करोड़ रुपया खर्चा हुआ था, बड़े धूमधाम से 5 अगस्त 2020 को जो कार्यक्रम हुआ था उसमें कहा गया था शिलान्यास हो रहा था, कहे का शिलान्यास हो रहा था, भूमि पूजन हो रहा है, किस भूमि का पूजन हुआ, न कोई भूमि पूजन हुआ न कोई शिलान्यास हुआ। फिर से दोबारा से आप YouTube में जाकर के दोबारा से देखिए क्या हुआ था, 5 ईंटें रख करके और ईंटों का पूजन हुआ था और उन ईंटों को पूजन करने के बाद उन ईंटों को फिर से उठा लिया गया और फिर से कहीं रख दिया गया बंद करके, उसके बाद कोई वहां काम नहीं हुआ और इसीलिए चाहते नहीं थे कि हम अयोध्या जाएं और इसीलिए इन्होंने हमारे जाने के लिए प्रश्न उठाए कि ये अयोध्या क्यों आ रहे, इनका अयोध्या से क्या लेना देना। अरे इनसे हमने पूछा कि अयोध्या से क्या आप ही ठेकेदार, हम ब्राह्मण समाज में जन्मे हुए, हमारा तो बचपन से ही पैदा होने के बाद से इतने संस्कार हो जाते हैं कि जब तक हम लोगों का उपनयन संस्कार होता है तब तक तो 7 संस्कार हो जाते हैं और सभी चीजें हम लोगों को भगवान चाहे श्री राम जी हो, हम लोग शिव जी हो, हमारे हनुमान जी हो, दुर्गा माता हो, सभी की हमको अर्चना सिखाई जाती है, सबकी आरती रटाई जाती, सबकी स्तुति रटाई जाती और घर से निकलने के पहले ये निर्देश दिया गया कि निकलने के पहले आप इनको पहले इन सबकी पूजा करिए, आरती करिए और स्तुति करिए, तब घर से बाहर निकलिए। तो कोई भगवान श्री राम आप तो मठ से आए और भगवान श्री राम के हो गए, हम लोग तो भगवान श्री राम के बहुत जन्म से हैं, पैदाइश से उनके हैं हमें, तो हमको आप दर्शन करने से कैसे रोकोगे वहां पर और क्यों रोक रहे हो? रोकने का उद्देश्य यही था कि इनका असली खुलासा उस दिन हो जाने वाले था और हम इनसे हिसाब मांग रहे हैं। हम आज 28वीं 29वीं सभा में इनसे फिर से हिसाब मांग रहे हैं लेकिन ये हिसाब नहीं दे रहे हैं और न देंगे। हम पूरे 75 जिले जाएंगे, तब तो हम जा रहे हैं पहले दर्शन करेंगे हम बनारस में जाके अपने भोले शंकर जी का, उसके बाद हम हनुमान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद हम अपनी सभा करेंगे, हम और मंदिरों में दर्शन करने के बाद अपनी सभा करेंगे और फिर 30वीं सभा में भी हम वहां पर भी बनारस में भी इनसे यही प्रश्न करेंगे कि ये हिसाब देने का काम अब कम से कम ब्राह्मण समाज का तो हर व्यक्ति मांगने लगा। जहां जहां हम गए उसके बाद हर ब्राह्मण समाज का व्यक्ति अब इनसे पूछने लगा
कि भाई हमको हिसाब दे दो, 12 रुपया तुम ले गए, या तो ये कबूलनामा कर दो, उसमें हम मान जाएंगे। कहते हम भी मान जाएंगे कि ये लाखों करोड़ रुपया हमने रामलला के लिए इकट्ठा नहीं किया था, ये रुपया हमने अपने लिए किया था, अपनी पार्टी के लिए किया था। मान लेंगे अपनी पार्टी को चलाने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, आने वाला जो चुनाव 22 का है, उसके बाद जो चुनाव हुए उसके लिए हमने ये रुपया इकट्ठा कर रखा है, वरना कैसे 500 हेलीकॉप्टर उत्तर प्रदेश को उतारेंगे। इनके साथ की समस्या, 500 हेलीकॉप्टर उतारते हैं जब चुनाव आता है उत्तर प्रदेश में, हर जिले में जो इनकी एक वैन चलती है जिसमें LED लगा होता है, तो वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 चलाते हैं, 5,000 उतारते हैं। तो इस तरह के न जाने कितनी चीजें लेकर के आएंगे ये, और उसी में घुमा घुमा के लोगों को समझाने का काम करेंगे कि फिर से मेरे साथ आ जाओ, भूल जाओ क्या अत्याचार हुआ, भूल जाओ ब्राह्मणों के ऊपर क्या हुआ, किस तरीके से ब्राह्मणों की हत्या उत्तर प्रदेश में हो रही है, ये भूल जाओ। जिस तरह से जैसे ही सरकार बनी थी रायबरेली में 2017 में ही आते इन्होंने अपना दिखा दिया कि हमारा ब्राह्मणों के लिए क्या फ्रेम है, 5-5 ब्राह्मण समाज के नौजवान लोगों को उनके हाथ और पैर काट करके ही इनको छुट्टी आरक्षण नहीं मिला था, उसके बाद उनको आग लगा के जलाने का भी काम किया, और उसके बाद उनके मंत्री कहते हैं कि ये तो बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी थे और इनको मार दिया गया, इनकी तो यही होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा दुर्दशा होनी चाहिए थी। अरे उनको आग निकाल के जलाने का भी काम करते, आप क्या बचा था। और हम उनके जब घर गए, घर जाकर के हमने देखा तो घर में तो हमको वहां पर कुछ भी नहीं मिला। आप उनके अगर बहुत बड़े अपराधी थे तो घर में तो बहुत पैसा रुपया होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो वहां कुछ नहीं दिखा। वहां तो उनकी 10x10 की झोपड़ी थी, तो झोपड़ी में भी आग लगा दी, उसको भी नहीं छोड़ा, और कहते हैं कि ये बड़े भारी अपराधी थे। ब्राह्मण समाज का जो भी व्यक्ति मजबूत हो उत्तर प्रदेश में, वो इनके लिए अपराधी है, अपराधी ही नहीं दुर्दांत अपराधी है। कहते हैं इसको गोली मार दो, ये बहुत बड़ा अपराधी है, इसको मरमफल जाने दो। और एक दो किससे नहीं हुए इस तरह के मारने के, आप जानते हैं कि क्या क्या के लिए इन्होंने किया। इन्होंने लखनऊ ऐसे शहर में घर से उठा करके और गोली कंटोनमेंट में ले जाके ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को दर्द होता है। जब हम सोचते सहते सुनते हैं कमलेश तिवारी, वो तो हिंदू एक पार्टी चला रहा था लेकिन इनके खिलाफ था, इनके मुखर था, तो इनकी बातें इनकी बोल खोलने का काम करता था। गुजरात से लोग आए और आकर के उसको गोलियों से भून करके और फिर गुजरात वापस चले गए, आज तक कोई नहीं पकड़ा गया। इस तरीके से विनय तिवारी, जो वो गाड़ी वो कुछ नहीं हुए एप्पल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें काम करता था, उसको गाड़ी में रोका, उससे नाम पूछा, क्या नाम है, उसने कहा विनय तिवारी, तिवारी वो शीशा खुलवा करके और सीधे उसके सीने में गोली मार दी, वही मर गया। किस तरीके से राकेश पांडे, जो कि अपने माँ बाप को देखने के लिए लखनऊ में आया हुआ था, कोरोना से पीड़ित थे और उनकी इलाज कर रहा था, घर में था, उसको घर से उठा ले गए और ले जाके कंटेनमेंट में उसका शूटआउट कर दिया, एनकाउंटर करने का काम कर दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण समाज का था। और उनको मौका क्या मिला, जब जैसे ही कानपुर में बिकरू कांड हुआ, इनके तो जैसे कि लॉटरी निकल आई कि अब ब्राह्मण समाज को तो हम खुल करके ठीक कर देंगे, एक ऐसा काम हो गया जिसमें इनको हम निठाने का काम कर देंगे। जिस तरीके से महोबा के व्यापारी को उसकी गाड़ी में ही गोली मार के जब हत्या की तो कहा गया कि उसने आत्महत्या की, आप लोगों ने भी टेलीविजन अखबारों में सब देखा कि बाद में उसका मोबाइल, उससे वार्तालाप जब पता लग गई, वार्तालाप निकली कि ये तो आत्महत्या नहीं, ये तो हत्या की गई, अधिकारी द्वारा हत्या की गई, जिस अधिकारी ने हत्या की उससे कहा गया तुम्हारा नाम खुलासा हो गया है, तुम विदेश प्रदेश छोड़ दो, प्रदेश छोड़ करके और दूसरे प्रदेश जहां हमारी सरकार चल रही है वहां चले जाओ और निर्भीक होकर के रहो, और जब तक यहां मामला ठंडा ना हो वापस नहीं आना। किस तरीके से 17.5 साल के लड़के को बिक्रम कांड के नाम पे हरियाणा से उठाया और उठा करके ला करके इटावा के पास ला करके और गाड़ी पलटवा करके उसको भी गोली से भूनने का काम कर दिया गया। एक बार नहीं, 3-3 ब्राह्मण समाज के लोगों की गाड़ी फिसलती है और पलटती है और बाहर निकलते हैं और गोलियों से भून दिए जाते हैं। 50-50 ब्राह्मण समाज के लोगों को, जो मजबूत किस्म के थे, जो समाज में काम करते थे, सब समाज के लिए करते थे और कानपुर के इर्द गिर्द थे, उनका नाम एक अज्ञात
ब्राह्मणों के नाम लिख करके 100 में उन सबके नाम डाल दिए गए। ये निर्देश हुआ लखनऊ से कि देखो ये मौका जाने में तो बहुत बड़ा मौका मिला है और यहां से नहीं निकलना चाहिए। कानपुर के इर्द गिर्द किसी भी शहर में हो, चाहे फरुखाबाद हो, कन्नौज हो, उन्नाव हो, लखनऊ हो, इटावा हो, औरैया हो, जहां ब्राह्मण समाज के लोग रहते हैं, मजबूत किस्म के रहते हैं, वहां से उनके नाम की ले लो और इसमें डालते जाओ और उनको ठिकाने लगाते जाओ। और ठिकाने नहीं लगा सकते हो तो उनको बंद कर दो और बंद करके इतनी धाराएं लगा दो कि 10-20 साल तक वो जेल से बाहर निकलने ना पाए। इतना ही नहीं, आज 50 से ज्यादा लोग बंद है ब्राह्मण समाज के लोग, मजबूत किस्म, जिनका कोई लेना देना नहीं था, कोई कलकत्ते में था, कोई मुंबई में था, वो सब उसमें फिंगरू कांड में डाल दिए गए। और इतना ही नहीं, घर में जो लड़की एक दिन पहले जिसकी शादी हुई थी, एक दिन पहले 29 और 30 तारीख की रात में होती है खुशी दुबे, 16.5 साल की लड़की, पहले वो दिवाली थी, खुशी दुबे शादी के बाद हो गई और उसकी तो मेहंदी भी नहीं सूखी थी। 31-30 तारीख का महीना था, उसके बाद पहली तारीख पहला दिन था उसका, और 2 तारीख को ये कांड हो जाता है और उसको 2 तारीख को उठा ले गए और उठा ले जाकर के अज्ञात स्थान पर ले गए। 7 दिन तक अज्ञात स्थान पर रखा, बताया भी नहीं कि क्या कर रहे हैं उसके साथ में, कहां रखा है। जब हल्ला हुआ कि लड़की कहां गई जिसकी शादी अभी हुई थी, तब उसको ला करके जेल में बंद कर दिया। 3 महीने तक उसको जेल में पहले बंद रखा, फिर जब ये हुआ कि ये तो नाबालिग है, रिपोर्ट आ गई ये तो 16.5 साल की है, तब उसको रिमांड होम में भेज दिया और रिमांड होम में बाराबंकी में भेजा। कानपुर के माता पिता उसके, उसको रिमांड होम में बाराबंकी, उसके पति को तो गोलियों से उड़ा दिया था, उसको रिमांड होम में भेज दिया। वहां पर 48 लड़कियां छोटे छोटे 2 कमरों में बंद है, उसी में से उसको भी बंद कर दिया। वो बीमार हो गई कोरोना के दौरान में, उसकी तबीयत बहुत खराब हुई, मरणासन हो गई, लोगों ने गुहार लगाई, मीडिया वालों ने भी कहा कि भाई उसकी तो हालत बहुत खराब है, उसको पैरोल दे दी जाए। लेकिन सरकार का निर्देश था अगर मरती है तो मर जाए, लेकिन पैरोल नहीं मिलेगी, उसको वहां से बाहर नहीं निकलने देना, उसको बेल भी नहीं मिलनी चाहिए। और बेल न मिले इसके लिए पूरी ताकत छोड़ दी उन्होंने, और यहां तक जब देखा कि अब तो बेल हो ही जाएगी क्योंकि उसका तो कोई उसके ऊपर जुर्म है ना कोई इल्जाम है और नाबालिग है, तो उसके लिए फिर एक फर्जी सर्टिफिकेट अधीक्षिका से बनवाई जो रिमांड होम की थी, और उसमें ये लिखवाया कि ये लड़की खुशी दुबे ये कहती है, जो 47 लड़कियां उन्होंने कंप्लेंट की है कि ये कह रही है कि अगर हमारी बेल हो गई और हम बाहर निकल गए तो हम एक बहुत बड़े दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे और हम तुम सब लोगों को भी ठिकाने लगा देंगे, इसलिए इसकी बेल नहीं होगी, और ये कहकर के उसकी बेल खारिज करवाएंगे और उसको जेल में सड़ाने का काम अभी भी चल रहा। इतना ही नहीं, एक महिला जो घर में काम करती थी उसको भी उठा ले गए, 7 वर्ष से जेल में रखा हुआ है, उसके ऊपर इतनी दफाएं लगा दी है जितनी बहुत बड़े से बड़ा क्रिमिनल जो होगा उसके ऊपर भी नहीं होगी, इतनी दफाएं उसके ऊपर लगा करके जेल में बंद। और उसी को नहीं बंद किया, उसके साथ में उसके 3 साल के लड़के को और 6 साल की बच्ची को भी जेल में बंद कर रखा है। क्या अपराध है उनका? कहते हैं कि नहीं, इनको 15 साल जेल से नहीं निकलना चाहिए, ये बच्चे जो है, इसके जो बच्चे हैं इनको जेल में ही व्यस्त हो जाना चाहिए, ऐसी धाराएं लगाओ, ऐसी तैयारी करो कि वहीं पर ये व्यस्त होकर के बाद बड़े हो जाएं। इस तरह के इस जुर्म इस समय हो रहा है। गोरखपुर में जहां के माननीय मुख्यमंत्री स्वयं है, वहां पर एक सीनियर एडवोकेट उसको दिन दहाड़े गोली मार दिया, वो सीनियर अधिवक्ता थे लेकिन वो खड़े थे, उन पार्टी वो इसमें नहीं थे, खुलकर बोलते थे जो बात सही है वो सही है, लेकिन उनको भी गोलियों से भून दिया गया। 2 जर्नलिस्ट जो निर्भीक होकर के और अपना काम करते थे उनको गोलियों से मार दिया गया। पूरे प्रदेश में 1-2 नहीं, ब्राह्मणों समाज की अगर हत्याएं गिनने लगेंगे तो सैकड़ों की संख्या में है, आधा घंटा तो खाली आपको लिस्ट बताते बताते लग जाएगा इस तरह से ब्राह्मण समाज के ऊपर खुल करके, जिस तरह से दलित समाज के ऊपर अत्याचार होगा उसी तरह से ब्राह्मण समाज को भी ठिकाने लगाने का काम कर रहे हैं और डराने का काम, धमकाने का काम कि हमारे साथ तो तुम्हें मजबूरी में रहना पड़ेगा। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके खुद के नेता कहते हैं, इनके राज्यसभा के सांसद जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के हर पद में रह चुके हैं,
प्रवक्ता भी रहे हैं, एमएलए भी रहे हैं और बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों में रहे हैं हरिद्वार दुबे जी, उन्होंने कहा जब राज्यसभा से में उनका चुनाव हुआ अभी 6 महीने पहले तो बाहर निकले, मीडिया के लोगों ने उनको घेर लिया, कहा कि दुबे जी ये बताइए समूचा उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से उनके जिस तरह के क्रियाकलाप खासतौर से ब्राह्मण उत्पीड़न चल रहा है उससे नाराज है, इस पे आप क्या कहते हैं, आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा, उन्होंने जो कहा वो उनकी उनका कहना नहीं है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, तो ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है जो उन्होंने कहा। उन्होंने कहा मीडिया में कहा जो रिकॉर्डेड है, जो जब चाहे आप उनके नाम से और यूट्यूब में देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण समाज, ये ब्राह्मण लोग, ये ससुरे जाइए का ये कहा जाइए, इनका तो हमारे पास आय पड़ी और इनकी मजबूरी है, कहीं नहीं जा सका, तो ये तो सोच है उनकी, वो सोचते हैं कि ब्राह्मण समाज इनके साथ इनके हाथों में बिक गया है, उसने तो धर्म के नाम पे आपको वोट दे दिया, आपका असली चेहरा नहीं पहचाना, उसने तो सोचा कि ये नहीं सोचा था कि धर्म के नाम पे वो अधर्म करने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में और किसका साथ ये दे रहे हैं। तो इसलिए आज आपको जरूरत है कि इन बातों को ध्यान में रखिए, इन बातों को गंभीरता से सोचिए और खाली अपने तक सीमित मत रखिए, इसको लेकर के समाज में जाइए, सर्व समाज में जाइए, अपने समाज में खास तौर से जाइए और फिर आप जब अपने समाज में ये बातें पहुंचा देंगे तो ये आप जानते हैं कि ब्राह्मण समाज एक बार मुखर होकर के और जब बात रखता है और सामने आता है तो फिर वो पूरे समाज को सही रास्ता दिखाने का काम करता है और उसने 2007 में ये करके दिखाने का भी काम किया। इसको करने का काम करिए, लोगों को इन बातों को बताइए और उनसे कहिए इसको और आगे बढ़ाने का काम करें और सब समाज को इकट्ठा करके और सब जन हिताय और सब जन सुखाय की जो बहुजन समाज पार्टी की नीत है और बहन मायावती जी का जो सोच है और जो नारा है वो खाली नारा नहीं है, वो करके भी दिखाती है, जब जब सरकार बनाई तो सब जन हिताय और सब जन सुखाय की नीत को लेकर के आगे चलने का काम किया। आपको जरूरत है आज, आप पूरे प्रदेश याद कर रहा है और बहन मायावती जी का वो कानून द्वारा कानून का राज याद कर रहा है, जब महिलाएं जो थी सुरक्षित थी, लोग सुरक्षित थे, लेकिन बहन मायावती जी कानून का राज, कानून द्वारा कानून का राज करने के लिए उन्होंने भी कड़े कड़े कदम उठाए थे, अपने खुद के ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जिसने हाथ में अपने कानून देने का काम किया था, 15 दिन पुरानी सरकार थी लेकिन बहन मायावती जी ने उसको भी नहीं बख्शा था और उसको अपने घर से बुला करके और जेल की सलाखों में डलवाने का काम किया था और पूरे 5-5 साल तक रखने का काम किया था उनके, क्योंकि उनके लिए अपना पराया नहीं होता है, जो अपराधी है वो अपराधी है और जो इस सरकार की तरह नहीं कि ये अपराधी अपना है इसको छोड़ दो, ये अपराधी जो है ब्राह्मण समाज का है और जिसने अपराध ना भी किया हो तो ब्राह्मण समाज का है तो इसको ठिकाने लगा दो। इसलिए आपसे मेरा अनुरोध है कि आने वाले समय के लिए अपनी पूरी ताकत छोड़ दीजिए और अब घर में मत बैठिए, सिर्फ 6 महीने बचे हैं और इन बातों को ले जाकर के समाज में, सब समाज में इनको फैलाने का काम करिए और पूरी ताकत लगा करके अगले वर्ष 2022 में चुनाव होने वाले हैं उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार अब की बात 2007 में जैसे बनवाई थी उससे ज्यादा मजबूती इसके साथ में बनवा करके बहन मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए और इसका संकल्प लेकर के आपको यहाँ से जाना चाहिए कि अब की बार आप अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, बहुत देख लिया औरों की सरकार को, अब आप अपनी खुद की सरकार बनाएंगे, आप हमारे हाथ मजबूत करेंगे तो हम आपको वादा करते हैं आपके हाथ तो अपने आप मजबूत हो जाएंगे और हम सब मिल करके बहन मायावती जी के हाथ मजबूत करके उनको उत्तर प्रदेश का 5वीं बार मुख्यमंत्री बना करके इस प्रदेश को सही दिशा में लाने का दोबारा से काम करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, जय भीम, जय भारत, जय परशुराम। साथियों ने अपना दल भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सत्ता ली है, हम सब लोग उनको बहुत आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं।